हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स इन डेली लाइफ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैथ्स हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखती है और कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स इज डिफाइंड एज द साइंस विच डील्स विथ लॉजिक ऑफ शेप क्वांटिटी एंड अरेंजमेंट। आपको पता है मैथमेटिक्स जो है साइंस की तरह ही डिफाइन किया गया है उसको, और उतनी ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसमें हम शेप, क्वांटिटी और अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स द इजिप्टियंस यूज्ड मैथ्स एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स इक्वेशन लाइक ज्योमेट्री एंड एल्जेब्रा। एंशियंट टाइम्स मतलब बहुत ही पहले के टाइम में, प्राचीन समय की बात है, जो इजिप्टियंस थे वो मैथ का यूज़ करते थे। कौन कौन सी मैथ्स? मैथ्स में जैसे जो इक्वेशन वाली मैथ है, जैसे ज्योमेट्री है, एल्जेब्रा है, इनका यूज़ करते थे। मैथ्स इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। मैथ क्या है? एक पार्ट है हमारा। वॉट एवर वी क्लीन द हाउस, मेक सपोर्ट और माउ द लॉन। इसमें चाहे हम घर को क्लीन कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, या फिर गार्डन की क्लीनिंग कर रहे हैं, घास काट रहे, इन सब में कहीं ना कहीं मैथ्स का यूज़ किया जाता है। वेयर एवर यू गो, वॉट एवर यू डू, यू आर यूजिंग मैथ डेली विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। आप जहाँ भी जाते हो, जो भी करते हो, वहाँ आप मैथ का यूज़ करते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता कि यहाँ पे कौन सी मैथ्स लग रही है, कौन सी उनकी इक्वेशन लग रही है, या उसका कौन सा टॉपिक काम आ रहा है। वो रेशो भी हो सकता है, एल्जेब्रा का भी हो सकता है, ज्योमेट्री भी हो सकती है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ मैथ्स काम में आती है और उसके कौन कौन से टॉपिक है, जैसे रेशो है, ज्योमेट्री है, अल्जेब्रा है, ये कहाँ कहाँ काम में आते हैं। मैथ्स इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज इन दैट इट इज़ अ लैंग्वेज अंडरस्टूड इन ऑल कंट्रीज। मैथ्स क्या है? एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यूनिवर्सल लैंग्वेज मतलब जिसको सब लोग आसानी से समझ सके। इसीलिए जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो मैथमेटिक्स को ईजिली समझ पाती है, क्योंकि ये क्या है, मैथमेटिक्स एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जिससे आप किसी अदर पर्सन को, चाहे उसको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैथ्स क्या है? एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो सभी को समझ में आती है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सबको समझ में आती है। तो हम बात करते हैं कि इसके कहाँ कहाँ यूज़ आते हैं। यूजेज ऑफ मैथ्स इन डेली लाइफ, कुकिंग में, स्पोर्ट्स में, फाइंडिंग डिस्टेंस एंड लेंथ, नेविगेशन में, बैंकिंग एंड शॉपिंग में, गार्डनिंग में और आर्किटेक्चर में भी इसका काम किया जाता है। फर्स्ट हमने टॉपिक लिया है कुकिंग, कि कुकिंग में किस तरह से मैथ्स काम में आती है। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे मैथ्स किस, कौन सी मैथ काम में आ रही है? रेशियो और प्रोपोर्शन का हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, तब हमारी जो कुकिंग है वो परफेक्ट बनेगी। कैसे, आइए देखते हैं। मेकिंग कॉफ़ी, टी, मिल्क, द क्वांटिटी वी रिक्वायर द नॉलेज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जब आप कॉफ़ी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो आप उसमें क्या देखते हो कि अपन को कितनी क्वांटिटी में इसमें मिल्क डालना है, कितनी क्वांटिटी में हमें इनको शुगर ऐड करनी है, कितनी क्वांटिटी में हमें इसमें चाय पत्ती डालनी है। तो ये किसका नॉलेज देते हैं? ये रेशियो और प्रोपोर्शन का नॉलेज हमें देते हैं। कुकिंग फूड जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर नीड्स क्लियर नॉलेज ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ प्रिपरेशन टू हैव गुड टेस्ट, मोर सॉल्ट, चिली एट्सेट्रा। जैसे हम खाना बनाते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, उसमें हमें क्या याद रखना होता है कि जो भी हम मटेरियल्स उसमें डाल रहे हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, वो सब, उन सब की क्वांटिटी क्या हो, इक्वल हो, मतलब ज़्यादा ना हो, ना तो उसमें सॉल्ट ज़्यादा हो, ना उसमें चिली ज़्यादा हो। तो ये हमें किसका नॉलेज देते हैं? यहाँ पर हम मैथ्स का प्रोपोर्शन का पार्ट पढ़ते हैं। While cooking a recipe, we need to have a check on the amount of ingredients and correct measure unless our recipe will result in a blunder. जब हम कोई नई रेसिपी ट्राई करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि वो कितनी कितनी क्वांटिटी में दे रखी है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं हम वो कितनी कितनी एग्जैक्ट क्वांटिटी में दे रखी है। जैसे
हम केक बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें हाफ के जी मिल्क ले रहे हैं, तो वहाँ पे हम कितना मिल्क यूज़ करेंगे? हाफ के जी ही करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस अमाउंट में हम कोई रेसिपी तैयार करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे जब हम कुकिंग करते हैं या कोई नई रेसिपी बनाते हैं, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन काम में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, मैथमेटिक्स इन किचन। इन कुकिंग, आइडिया ऑफ प्रोपोर्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ परफेक्शन। जैसे आपको केक बनानी है, ठीक है, तो उसमें जितनी भी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो आपको एग्जैक्ट अमाउंट में लेने होंगे, तभी आपकी केक जो है वो परफेक्ट बनेगी। तो इसके लिए किसका नॉलेज होना ज़रूरी है? प्रोपोर्शन और रेशियो का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी वॉन्ट टू मेक अ केक ऑफ 1 kg, बट इन रेसिपी बुक देयर इज़ अ रेसिपी ऑफ 2 kg ऑफ केक, देन आइडिया ऑफ प्रोपोर्शनली इज़ इम्पोर्टेंट। जैसे आप कोई बुक में देख रहे हो, वहाँ पे 2 kg की केक है, लेकिन आपको क्या करनी है? आपको 1 kg की केक बनानी है। तो वहाँ पे आपको आइडिया लगाना होगा कि जब 2 kg में ये इतने इतने अमाउंट में इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं, तो 1 kg में इनका रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं रेशियो और प्रपोर्शन की। नेक्स्ट देखते हैं, यूज़ ऑफ ज्योमेट्री इन द किचन। किचन में हम ज्योमेट्री का यूज़ कैसे करते हैं? ज्योमेट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? शेप्स के बारे में, ठीक है। ज्योमेट्री इज़ यूज्ड इन किचन फॉर किचन एसेसरीज एंड यूटेंसिल्स। किचन में जो एसेसरीज हैं, जो बर्तन हैं, उसके जो शेप्स होती हैं वो ज्योमेट्री में काम आती है। जैसे बाउल है, वो बाउल किस शेप में है? ओवल शेप में है, हेमी स्फेरिकल शेप में है, स्फेरिकल शेप में है, या फिर सर्कुलर पैंस हैं, सिलेंड्रिकल टम्बलर है, क्यूबोडल शेल्व्स हैं। तो ये सब हमें किसके बारे में बता रही है? ये अलग अलग एसेसरीज और यूटेंसिल्स की शेप के बारे में बता रही है, और शेप के बारे में हमें कौन बताता है? ज्योमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम आई? ज्योमेट्री का यूज़ किया। नेक्स्ट है, मैथ्स मैजिक इन आवर होम। हमारे घर में मैथ्स का मैजिक कैसे चलता है? मैथ्स इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ डेकोरेशन। जैसे हमें रूम को डेकोरेट करना है, तो हमें उसकी लेंथ विड्थ सब देखनी होती है। तो ये कहाँ काम आती है? ये जैसे हम एरिया निकालते हैं, ठीक है, इस तरह से ये काम में आती है। फॉर वाइट वॉशिंग इन रूम्स ऑफ द हाउस, वी मेजर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स। अगर हमें हमारे रूम को कलर करना है या वाइट वॉश करना है, तो हम क्या करेंगे? पहले पूरे रूम की जो वॉल हैं, दीवारें हैं, उनका हम टोटल सरफेस निकालेंगे, ठीक है, टोटल सरफेस ऑफ एरिया निकालेंगे। तो यहाँ से मैथ्स का कौन सा टॉपिक आ गया? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ भी मैथ्स काम में आती है। फॉर प्लेसिंग टाइल्स ऑन द फ्लोर, वी मेजर एरिया ऑफ द फ्लोर। जब हम टाइल्स लगाते हैं जमीन पर, जब हम टाइल्स लगाते हैं, तो हमें उसका पूरा एरिया निकालना होता है कि हमारा जो कमरा है उसका फ्लोर का एरिया क्या है, उसी के हिसाब से हम वहाँ पे टाइल्स लगाते हैं। तो यहाँ भी मैथ्स का ये लॉजिक काम में आता है। वे यूज़ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न ऑन वॉल्स फॉर डेकोरेशन। डेकोरेशन में भी ज्योमेट्री काम आती है कि हमें कितनी लेंथ का कोई भी जैसे मटेरियल लगा रहे हैं हम, वो कितनी लेंथ का लेना है, उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, तो ये हम सब हमें बताता है ज्योमेट्री, ठीक है। टू सेट अप फर्नीचर इन आवर होम, वी मेजर एरिया रूम्स एंड फर्नीचर। जब हम कोई फर्नीचर सेट करते हैं घर में, तो हमें उस कमरे का या उस जगह का पूरा एरिया मेज़र करना पड़ता है कि उसमें किस तरह से फर्नीचर फिट होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो आसानी से कि मैथ्स कहाँ कहाँ यूज़ हो जाती है, और हमें इसका पता भी नहीं होता है। नेक्स्ट है, फ्रैक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जब आप कोई सैलेड बनाते हो, सलाद बनाते हो, तब आप क्या करते हो? देखते हैं, वी कैन कट ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन टू फ्रैक्शन। तब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कट करते हैं फ्रैक्शन में। तब हम किसकी बात करेंगे? फ्रैक्शन की। टोमेटो इन हाफ, एप्पल इन क्वार्टर एंड बनाना इन एट्स। जैसे हम कोई भी वेजिटेबल कट रहे हैं, तो टोमेटो को क्या करते हैं? अपन हाफ कट करते हैं, ठीक है। एप्पल है, उसको 4 पार्ट में कट कर लिया। बनाना है, उसको 8 पार्ट्स में कट कर लिया। इस तरह से जब हम उनके पार्ट्स देख रहे हैं, एक हाफ में है, एक 1/4 है, एक 1/8 है, तो ये हमें किसके बारे में बता रहा है? ये हमें फ्रैक्शन के बारे में बता रहा है।
although you have to be accurate. An orange might have 10 segments and every 10 segment is 10th of whole of orange. यहाँ पे बात हो रही है, जैसे आपने एक ऑरेंज लिया, ठीक है, तो उसमें कितने पार्ट्स हैं, ऑरेंज की जो पीस हैं उसमें कितने पीस हैं, जैसे 10 पीस हैं, तो अगर आपने एक पीस लिया तो वो पूरे पीस का कितना हुआ, 1/10 पार्ट हुआ. तो यहाँ से हमें किसके बारे में पता चल रहा है, फ्रैक्शन के बारे में. नेक्स्ट है स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स में मैथ्स किस तरह से काम में आती है, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ प्रोबेबिलिटी मेंसुरेशन एंड स्टेटिक्स. तो स्पोर्ट्स करने में हमें प्रोबेबिलिटी मेंसुरेशन और स्टेटिक्स काम आती है. द मैथमेटिकल कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड व्हेन वन वांट्स टू कमेंट अबाउट द गेम. जब कोई गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वहाँ पे कमेंट्री होती है, तो वो क्या है, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट पे होती है कि ये चीज़ होने के कितने चांस हैं, तो वो किस में आती है, प्रोबेबिलिटी में. व्हेन वी टॉस इन गेम, जब हम टॉस करते हैं कि किसके हेड आएगा, किसके टेल आएगा, तो वहाँ पे हम किसका लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं. प्रोबेबिलिटी इज़ यूज्ड एज देयर इज़ एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग हेड और टेल. वहाँ पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. ये हमें किसका नॉलेज देते हैं, प्रोबेबिलिटी का. रेफरीज एंड कोचेज मेक कॉल्स विच आर बेस्ट ऑन टाइम. जब रेफरी और कोच जो है वो कॉल्स देते हैं, तो वो किस पे बेस होते हैं, वो टाइम पर बेस होते हैं. वी कैन कंपेयर फेलियर एंड सक्सेस रेट बाय कलेक्टिंग डाटा ऑफ ऑल द पास्ट गेम प्लेड. जब हम कंपेयर करते हैं कि कौन सक्सेस हुआ है या कौन पास हुआ है इस गेम में, कौन फेल हुआ है, तो वो कैसे करते हैं, जब हम उसके पूरे डाटा कलेक्ट करेंगे कि अब तक तो जितने भी गेम खेले गए हैं उसमें क्या क्या इनका डाटा रहा, उसी के अकॉर्डिंग जब हम बात करेंगे उनके फेलियर और सक्सेस की. दिस कैन ओनली बी डन यूजिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ मैथ्स. तो ये भी क्या है, मैथ्स का ही एक पार्ट होता है जिसमें डाटा कलेक्ट करके रिजल्ट निकाला जाता है. टू मेक द फील्ड ऑफ करेक्ट मेजर वी नीड गुड नॉलेज ऑफ मेंसुरेशन. जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उसका जो ग्राउंड है वो कितना बड़ा होगा, वो फील्ड कितना बड़ा होगा, उसका करेक्ट मेज़र हमें कौन बताएगा, मेंसुरेशन से. तो यहाँ भी कौन काम में आ रहा है, मैथ्स काम में आ रही है. मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक काम में आ रहे हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी मेंसुरेशन और स्टैटिक्स. नेक्स्ट देखते हैं यूज़ ऑफ ज्योमेट्री इन स्पोर्ट्स. अब ज्योमेट्री का कैसे यूज़ किया जाता है, ज्योमेट्री इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग स्पोर्ट्स ग्राउंड एज वेल एज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स. ज्योमेट्री का यूज़ किया जाता है जो स्पोर्ट्स ग्राउंड होते हैं उनकी डिज़ाइनिंग करने में और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की डिज़ाइनिंग करने में. जैसे जेवलिन थ्रो रोड होती है जिसको फेंक कर खेला जाता है, वो क्या बताती है, हमें एक लाइन सेगमेंट के बारे में बताती है. ट्रैक है, रेसिंग का ट्रैक है, वो ओवल ट्रैक होता है, ठीक है, तो वो शेप बता रहा है हमें. तो यहाँ भी क्या यूज़ कर रहे हैं, ज्योमेट्री यूज़ कर रहे हैं. फुटबॉल है, फुटबॉल की शेप क्या होती है, स्फेयर होती है. तो यहाँ पे हम शेप के बारे में जब भी बात करेंगे तो वो किस में आएगी, ज्योमेट्री में आएगी. नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ज्योमेट्री इन योगा. अब योगा में हम ज्योमेट्री कैसे यूज़ कर रहे हैं, जब हम इस तरह के योगा करते हैं तब क्या, या तो ओवल शेप बन जाती है, या हाफ सेमी स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, या फिर ट्रायंगल बन जाता है, हेमिस्फेरल बन जाता है. तो जब हम अलग अलग जो शेप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर ज्योमेट्री का यूज़ होगा. नेक्स्ट देखते हैं फाइंडिंग डिस्टेंस एंड लेंथ. जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या लेंथ को बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का. मैथ्स कंसेप्ट आर यूज टू फाइंड और कैलकुलेट हाइट ऑफ टावर्स, माउंटेन्स एंड टाइड्स इन ओशियंस. तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, टावर्स की हाइट नापने में, माउंटेन्स में, ओशियंस में जो टाइड्स आते हैं, जो ज्वारभाटा आते हैं, उनकी लेंथ या उनकी हाइट कितनी रहती है उसको नापने में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है. डिस्टेंस ऑफ द शोर फ्रॉम अ पॉइंट इन द सी एंड बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज. जो खगोलीय पिंड होते हैं या जो समुद्र में किनारा होता है उनकी डिस्टेंस नापने में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है. स्ट्रक्चर लॉड, रूफ स्लॉब्स, ग्राउंड सरफेस एंड मैनी अदर एस्पेक्ट
इंक्लूडिंग सन शेडिंग एंड लाइट एंगल्स। तो ये सब हमें किसके बारे में नॉलेज करवाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ज्योमेट्री इन ट्रैफिक सिग्नल्स। आपने ट्रैफिक सिग्नल्स बहुत अच्छे से देखे होंगे, यहाँ भी क्या यूज़ की जाती है, ज्योमेट्री यूज़ की जाती है। उसमें अलग अलग तरह की शेप्स बनी होती है, जैसे लाइन सेगमेंट है, ट्राइंगल्स हैं, लेफ्ट लाइन सेगमेंट, राइट लाइन सेगमेंट है, यू टर्न है, वहाँ सब में हमें शेप्स को देखना होता है। तो ये किस में आता है, ज्योमेट्री में आते हैं। तो यहाँ से आप इजीली देख पा रहे हो कि मैथ्स आपके कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, और आपको अभी तक पता ही नहीं होता कि जो हम काम कर रहे हैं या जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ भी मैथ्स यूज़ में आ रही है। अब है नेविगेशन। नेविगेशन सिस्टम में किसका यूज़ होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कंसेप्ट इज़ वाइडली यूज्ड व्हाइल वर्किंग विथ ग्राफिकल डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर। जब ग्राफिक्स में हम कोई डिज़ाइन करते हैं या सॉफ्टनिंग जो सॉफ्टवेयर होता है डिज़ाइनिंग का, उसमें आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़। ठीक है, वी ऑफन यूज़ इट टू नेविगेट अ सिटी और टू लोकेट ऑब्जेक्ट्स इन अ ग्रिड। व्हेन जियो कैशिंग वी यूज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। एस्ट्रोनॉमर्स यूज़ स्काई कोऑर्डिनेट्स टू लोकेट ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो भी जैसे स्काई में देखते हैं कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ लोकेट हो रखी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो नेविगेशन में कौन सा यूज़ किया जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बैंकिंग एंड शॉपिंग। जब आप बैंक में जा रहे हो या शॉपिंग करने जा रहे हो, तो वहाँ हमें मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक काम में आते हैं, परसेंटेज और इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज और परसेंटेज, जैसे इतने परसेंट की 50% की सेल चल रही है, तो आपको अगर उस चीज़ का नॉलेज है कि परसेंटेज क्या होता है, उसका क्या यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे आपको कोई 500 की कोई ड्रेस है उस पर आपको 50% का ऑफ दिया जाता है, तो वो आपके वापस कितने रुपए की पड़ रही है। तो इस तरह से आपको नॉलेज देता है इंटरेस्ट और परसेंटेज। वी विजिट सुपरमार्केट्स टू बाय आइटम्स, परचेजिंग डिसीजंस रिक्वायर सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ बजट एंड द कॉस्ट। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बजट और कॉस्ट के बारे में बताती है, कितना परसेंट का ऑफ चल रहा है उसके बारे में बताती है, ट्रांसैक्शन ऑफ मनी, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, ईएमआई लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक एटसेट्रा। इन सब में क्या यूज़ किया जाता है, परसेंटेज और इंटरेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस। अ बिजनेस पर्सन शुड बी गुड इन मैथ्स एंड नीड टू हैव अ शार्प ब्रेन। जो बिजनेसमैन होते हैं उनका मैथ्स में काफ़ी अच्छा पकड़ होती है, ठीक है, और उनका जो ब्रेन है वो शार्प होता है, तभी वो अच्छे खासे बिजनेस कर सकते हैं। डीलिंग मनी विदाउट मैथ्स इज़ नॉट पॉसिबल। आपको पता है कि जो बिजनेसमैन है उसका मैथ्स के बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप मनी की डीलिंग करते हो तो उसमें मैथ्स का यूज़ होता ही है। इसलिए कहा गया है डीलिंग मनी विदाउट मैथ्स इज़ नॉट पॉसिबल। अ पर्सन हु इज़ इलिटरेट स्टार्ट्स डीलिंग देन ही इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी इन लॉस। अगर उसको अच्छी खासी नॉलेज नहीं है मैथ्स की तो वो क्या होगा, लॉस में जाएगा। इन बिजनेस द मेन थिंग इज़ टू फाइंड योर प्रॉफिट फर्स्ट। बिजनेस में क्या होता है, सबसे पहले अपना प्रॉफिट देखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा टॉपिक काम में आता है, प्रॉफिट और लॉस का। नेक्स्ट है मैथ्स इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में किस तरह से मैथ्स का यूज़ किया जाता है। मार्केट्स डीलिंग विथ मनी, टू अर्न मनी वी नीड अ लॉट मैथ्स। अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें मैथ्स के बारे में जानना जरूरी है कि किस तरह से हमारा प्रॉफिट हो सकता है। एंड अ पर्सन डज नॉट नो मैथ्स एंड गोइंग टू मार्केट विल ऑब्वियसली गोइंग टू लूज हिज मनी अननेसेसरीली बिकॉज ही डजंट नो द कैलकुलेशन ऑफ मनी। अगर किसी को कैलकुलेट ही नहीं करना आ रहा है कि उसका किस में प्रॉफिट है किस में लॉस है, तो वो पूरी तरह से लॉस में जाएगा और उसकी जो मनी है वो अननेसेसरी खर्च होती जाएगी। तो मैथ्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है बैंक। बैंक में सेविंग और डिपॉजिट करते हैं, ये सभी को पता है बैंक में क्या करते हैं, सेविंग और डिपॉजिट करते हैं। तो यहाँ भी किसका यूज किया जाता है, मैथ्स का यूज़ किया जाता है। विथ सम गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वी कैन मैनेज द वे आवर मनी ग्रोस। अगर हमें अच्छा नॉलेज है सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो हम हमारे पैसे को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं कि किस तरह से इंटरेस्ट लगाने पर हमारे पैसे जो हैं, हमारे रुपए जो हैं वो ग्रो करेंगे या बढ़ेंगे।
वी मेक अ रिकॉर्ड ऑफ द मनी इज विड्रॉ और डिपॉजिटेड, और हम क्या रिकॉर्ड रखते हैं कि हमने कितने मनी विड्रॉ किए हैं, कितने डिपॉजिट किए हैं, ठीक है। इस तरह से का जो नॉलेज है वो हमें किससे मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट से और कंपाउंड इंटरेस्ट से। नेक्स्ट देखते हैं गार्डनिंग। गार्डनिंग करने में भी किस तरह से मैथ्स काम में आती है, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मेंसुरेशन, तो वहाँ पर हमें जो मैथमेटिकल टॉपिक है वो हेल्प करता है, वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या आता है देखते हैं। इवन डूइंग समथिंग एज मंडेन एज गार्डनिंग रिक्वायर्स अ बेसिक मैथ स्किल, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमें मैथ्स की बेसिक स्किल ध्यान में रखी होती है। इफ़ वी नीड टू प्लांट और सो नीड सीड्स और सीडलिंग, यू नीड टू मेक अ रो और काउंट देम आउट ऑफ इवन मैक हॉल्स। जब आप प्लांट उगाते हो तो आप क्या बनाते हो, रोज बनाते हो, रोज बनाते हो, कॉलम्स बनाते हो, और उस तरह से आप उनकी प्लांटिंग करते हो। तो यहाँ पे क्या काम आ रहा है, मेंसुरेशन। मेजरिंग स्किल्स इज ऑलवेज नीडेड एंड कैलकुलेशन ऑफ द एसेंस व्हेन डूइंग समथिंग न्यू इन द गार्डन, और जब आप कोई गार्डन में कोई नए डिज़ाइन बना रहे हो या नया कुछ कर रहे हो तो वहाँ भी क्या काम आएगा, मैथ्स काम में आएगी। नेक्स्ट है सिमेट्री इन नेचर। सिमेट्री क्या होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो दोनों पार्ट्स क्या हो, आपस में इक्वल होने चाहिए, उनके जो शेप है वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर को जब हम बीच में से कट करेंगे तो उसके जो दोनों साइड की शेप है वो आपस में इक्वल होंगी, तो यहाँ पे क्या आता है, सिमेट्री आ जाती है। तो सिमेट्री नेचर, नेचर में सिमेट्री किस तरह से आती है, जैसे यहाँ पे बर्ड बना हुआ है, पिकॉक बना हुआ है, जब हम इस पिक को बीच में से, जैसे ये रेड डॉटेड लाइन है वहाँ से जब हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हम देखेंगे जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो जस्ट इक्वल है राइट वाले पार्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम आ रही है, सिमेट्री काम में आ रही है। वैसे ही फ्लावर दे रखा है, उसमें जो शेप दे रखी है फ्लावर की वो लेफ्ट साइड में भी वैसी ही है और राइट साइड में भी वैसी है, तो यहाँ हमें किसका नॉलेज मिल रहा है, सिमेट्री का। जैसे ह्यूमन मेड थिंग्स में किस तरह से, जैसे क्लोथ्स है, ये क्लोथ है, इसके अगर बीच में मैं डॉटेड लाइन कर दूँ तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। बिल्डिंग्स है, इस तरह की कोई बिल्डिंग है उसको मैं जब बीच में से डिवाइड कर दूँ तो ये दोनों जो साइड है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, तो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखने पर ये सिमेट्री बनाती है, तो यहाँ पे हमें किसका नॉलेज मिल रहा है, सिमेट्री का। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में हमें किसका नॉलेज चाहिए होता है, मेंसुरेशन का, ज्योमेट्री का और सिमेट्री का। अ वाटर टावर एंड मैनी अदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूड मैनी सॉलिड शेप्स हुज वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू ज्योमेट्री। जैसे वाटर टावर है या कोई अदर स्ट्रक्चर बनानी है तो हमें उस सॉलिड शेप का वॉल्यूम देखना होगा, उसको कैलकुलेट करना होगा, किससे करेंगे, ज्योमेट्री से। सिमेट्रिकल एंड ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स हैव बीन अप्लाइड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सम फेमस माउंटमेंट्स सच एज ताजमहल, एफिल टावर एट्सेट्रा। जैसे ताजमहल है, एफिल टावर, इस तरह के जब बिल्डिंग्स बनती है या इस तरह के मॉन्यूमेंट्स बनते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे सिमेट्रिकल भी देखना होता है, उनको ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट भी देखना होता है कि किस तरह से इनका जो डिज़ाइन है वो अच्छा लगेगा, तो वहाँ भी किसका यूज़ किया जाता है, सिमेट्री और ज्योमेट्री का। एरियाज ऑफ डेफिनेटली साइज्ड एंड शेप्ड लैंड्स कैन बी फाउंड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ एरियाज फार्मूलाज। जैसे कोई भी साइज है, उसकी शेप देखनी है, साइज देखनी है, उसका एरिया देखना है, तो वहाँ पर भी क्या काम आ रही है, मैथ्स काम में आ रही है। द पाइथागोरस थ्योरम इज यूज टू मेजर ऑफ साइज फॉर पेंटिंग अ बिल्डिंग और फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट रूट टू अ पर्टिकुलर लोकेशन। आपको पता है कि एक पाइथागोरस थ्योरम होती है जिससे हम जो साइज है बिल्डिंग की उसको पेंट कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट रूट निकाल सकते हैं, लॉन्गेस्ट लेंथ निकाल सकते हैं, तो इस तरह से हम मैथ्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि आर्किटेक्चर में भी मैथ्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्री इन कंस्ट्रक्शन। जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके कंस्ट्रक्शन में भी क्या काम आती है, ज्योमेट्री काम आती है, क्योंकि हमें उस पूरे एरिया के बारे में जानना होता है कि वो एरिया किस तरह का है, उस पर किस तरह की बिल्डिंग बन सकती है जो हमारे लिए सेफ है। ज्योमेट्री इज़ यूज टू बिल्ड बिल्डिंग्स
ज्योमेट्री का यूज बिल्डिंग्स बनाने में भी किया जाता है। एज यू कैन सी देयर द डोर वे इज अ रेक्टेंगल, जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है उसमें जो दरवाजा है वो रेक्टेंगल शेप में है। एंड द वुडन पैनल्स ऑन द साइड ऑफ द हाउस आर मेड अप ऑफ प्लेन्स एंड लाइन्स, और जो साइड में वुडन पैनल्स लगे हुए हैं वो प्लेन्स और लाइन से बने हुए हैं। तो यहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, ज्योमेट्री का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारी कंपनीज होती है, बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें लोगों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी किसका यूज़ किया जाता है, मैथमेटिक्स का। कैसे, जो इनके शेप है उनमें कहीं ना कहीं मैथमेटिकल शेप्स होती हैं, मैथमेटिकल शेप्स इन लोगोस। जैसे ये 5 सर्कल्स बनाए हुए हैं, ये किसको शो करते हैं, ओलंपिक है। जैसे कई ऐसे कार होती हैं जिनमें लोगोस लगे होते हैं, तो वहाँ भी राउंड शेप है, स्क्वायर शेप है, ये काम में आती है। तो आप देख सकते हो कि लोगो बनाने में भी मैथमेटिकल शेप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ज्योमेट्री इन ट्रैवल, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ ज्योमेट्री कैसे काम में आती है। इन्वेंशन ऑफ व्हील्स वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ मैनकाइंड। आप ये मानते हो कि जो व्हील्स हैं, पहिए हैं, उनका इन्वेंशन सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि ये व्हील्स जो है वो कितनी जगह पर काम में आती है, कार में, बाइक में, ट्रेन में, हेलीकॉप्टर्स में, प्लेन्स में, सारी जगह ये व्हील्स काम में आती है। और हमारा काफ़ी काम जो है, काफ़ी टाइम बचता है, काफ़ी फोर्स बचता है, जो हमारी स्ट्रेंथ है वो बचती है। टुडे इट इज़ यूज इन द मोस्ट फॉर्म्स ऑफ ट्रैवल इन द वन वे और अनदर, ठीक है। तो इन व्हील्स का यूज़ भी किया जाता है ट्रैवलिंग में। तो ये व्हील्स क्या है, व्हील्स की जो शेप है वो किस में काम आ रही है, ज्योमेट्री में, ठीक है। व्हील्स की जो शेप है उसको हम कहाँ से समझते हैं, ज्योमेट्री से समझते हैं। तो यहाँ भी क्या काम में आ रही है, ज्योमेट्री काम में आ रही है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ज्योमेट्री इन म्यूज़िक, अब म्यूज़िक में किस तरह से काम में आती है। जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें सेगमेंट्स भी होती है, उनमें अलग अलग तरह के स्ट्रिंग्स भी लगी होती है, ठीक है। जैसे गिटार है उसमें स्ट्रिंग्स लगी हुई होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है सर्कुलर टॉप, क्यूबर्ड ऑयल, इनके जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में बात की गई है। तो जहाँ हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, शेप की बात करेंगे, वहाँ क्या आएगी, ज्योमेट्री आएगी। नेक्स्ट है ज्योमेट्री इन अर्थ, अब अर्थ में किस तरह से ज्योमेट्री का यूज़ किया गया है। अर्थ इज़ द परफेक्ट शेप ऑफ मिनिमाइजिंग द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन इट्स आउटर एजेस अ स्फीयर। ज्योमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथ्स दैट डिस्क्राइब्स सच शेप्स। जो अर्थ की शेप है, ठीक है, उसके बारे में भी कौन बताता है, ज्योमेट्री बताता है। और ज्योमेट्री क्या, एक ऐसी ब्रांच है मैथ की जो हमें शेप्स के बारे में बताते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं मैथमेटिक्स इन ड्राइंग, अब ड्राइंग में किस तरह से मैथमेटिक्स काम में आती है। अ ड्राइंग वुड डेफिनेटली नीड्स मैथ्स, मैथ्स की ज़रूरत होती है जब हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें मैथमेटिकल शेप्स का यूज़ करते हैं हम। यू कैन सी द ड्राइंग देयर, देयर आर मैनी ज्योमेट्रिकल शेप्स इन्वॉल्व इन इट, ज्योमेट्री इज़ अ पार्ट ऑफ मैथ्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ड्राइंग बनी हुई है इसमें काफ़ी तरह के शेप यूज़ की गई है, जैसे रेक्टेंगल, ट्राइंगल और लाइन सेगमेंट है, स्क्वायर शेप है, इस तरह से इनकी शेप यूज़ में की गई है। तो जहाँ शेप्स की बात आएगी वहाँ पे ज्योमेट्री यूज़ होगी। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ मैथ्स इन सेल फोन्स, अब सेल फोन में किस तरह से यूज़ किया जाता है मैथ्स का वो देखते हैं। व्हेन वी मेक अ फोन कॉल वी हैव टू एंटर नंबर्स इन अ सर्टेन सिक्वेंस फॉर द कॉल टू बी कम्प्लीटेड। जब हमें किसी को फ़ोन करना होता है तो हम उसके नंबर डायल करते हैं। तो नंबर्स क्या है, नंबर्स के बारे में हमें कौन बताता है, मैथ्स ही बताती है। तो यहाँ भी क्या यूज़ होता है, मैथ्स का यूज़ होता है। अब है कंक्लूज़न, अब इसका जब हम पढ़ रहे हैं उसका कंक्लूज़न क्या निकला, विदाउट मैथ्स लाइफ वुड बी पॉइंटलेस। अगर हम मैथ्स को साथ में लेकर नहीं चलेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। द एसेंस ऑफ मैथमेटिक्स इज इट्स फ्रीडम, ठीक है। यहाँ से समझ में आ रहा है जो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कि मैथ्स हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखती है, वो बहुत ही जानना आपके लिए ज़रूरी है। सो नाउ आई होप एवरीबडी स्टफ दीज वर्ड्स इन योर माइंड्स अबाउट माई टॉपिक मैथ्स इन
एवरीडे लाइफ। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि मैंने ये टॉपिक आज क्यों पढ़ाया है, मैथ्स इन एवरी डे लाइफ, कि मैथ्स हमारे लाइफ में किस तरह से काम में आती है। एंड आई ऑल्सो होप दैट यू लाइक माई प्रेजेंटेशन। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा और आपको इसका अच्छा खासा नॉलेज भी हो गया कि मैथ्स किस तरह से हमारी डेली लाइफ में काम आ रही है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।